स्वागत है आपका जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के अंक में हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए, जो कि वीडियो यूपी TSSC ने जो वीडियो का एग्ज़ाम कराया है, ग्राम पंचायत अधिकारी को एग्ज़ाम कराया है, उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। और उस न्यूज़ के चलते जो भी कैंडिडेट्स पेपर दिए हैं वीडियो का, जिन्होंने फॉर्म भरा था, वो एक डिलेमा में, एक बहुत ही असमंजस में फंस गए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसी को क्लियर करने के लिए इस वीडियो में हमने ये वीडियो बनाया है। इसमें आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि जो वीडियो TSSC ने जो वीडियो का पेपर कराया है, वो पेपर कैंसिल होगा और नॉट की पेपर नहीं होगा कैंसिल। और ये पेपर जो रद्द करने की जो न्यूज़ आ रही है, इवन देन 22 और 23 दिसंबर को वीडियो का पेपर था, 23 दिसंबर से ही ये न्यूज़पेपर में आना शुरू हो गया कि वीडियो के पेपर लीक हो गए हैं, इसके कई सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं, कई जगह जो है सेंटरों पे सेटिंग थी, कुछ इस तरह से पैसे लिए जा रहे थे। तो ये सारी न्यूज़ हम आपको यहाँ पे फाइनल करने वाले हैं। इसके लिए आपको बने रहना होगा इस चैनल के साथ। और इस तरह की जो भी न्यूज़ आपको चाहिए, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इस सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी डिलीवर हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में जो वीडियो का पेपर है, UPSSC जो एक आयोग है, उस आयोग ने ही वीडियो का पेपर कराया है। और हालांकि पेपर कराने से पहले UPSSC ने बहुत से वादे, बहुत से कंफर्मेशन किए थे कि ये पेपर आउट नहीं होगा और इसके लिए कई सेट बनाए गए हैं, ये सब ये बताया गया था। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वीडियो का पेपर जैसे बाकी पेपर जो है, जैसे UPP का है और भी जो ट्यूबवेल ऑपरेटर है, ये सब जो पेपर हुए, उसके पेपर जो लीक हुए, उसी तरह से वीडियो का पेपर भी लीक हुआ है। और लीक होने के अलावा जो है सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं, कई सेंटरों पर इसकी सेटिंग्स थी, इवन देन कई जगह पे जो है बच्चों को कोचिंग सेंटर से पैसे लिए गए हैं, कोचिंग सेंटर के द्वारा जो है पैसे ले लिए गए हैं और उनकी सेटिंग कराई गई, ये सारी न्यूज़ खुल के सामने आ रही है। तो इवन देन ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये तो बिल्कुल सही है कि वीडियो का जो पेपर है वो आउट तो हुआ है, निश्चित रूप से पेपर आउट हुआ है और इस तरह की सेटिंग्स भी पकड़ी गई हैं। और जो है उसके अलावा जो है उसके सॉल्वर गैंग भी पकड़े गए हैं, कई कैंडिडेट्स भी पकड़े गए हैं, ये सारी न्यूज़ बिल्कुल सही है। और लेकिन जो ये न्यूज़ है कि वीडियो का जो पेपर है वो कैंसिल हो गया और दोबारा होगा, इसके रिगार्डिंग मैं आपको इसका प्रूफ बताने जा रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो का पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन पेपर जो है कैंसिल नहीं होगा, ग्राम कहते पेपर रद्द नहीं होगा, ये जो है न्यूज़ हम आपको बताने जा रहे हैं पूरे प्रूफ के साथ। इसके लिए हम चलते हैं UPSSC की वेबसाइट पे, वो वेबसाइट जहाँ से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, या जो वेबसाइट जिस वेबसाइट पे फॉर्म भरा गया था, या कह सकते हैं UPSSC जो आयोग है उसकी जो मेन साइट है, उस साइट्स पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए उस साइट पे चलते हैं। ये है UPSSC की वेबसाइट, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो यही वेबसाइट है जिस वेबसाइट से थ्रू हमें कोई भी इंफॉर्मेशन कन्फर्म होती है या हम कन्फर्म मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, प्रेजेंटली देयर इज़ नो अनाउंसमेंट, प्लीज़ वॉच द वेबसाइट रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अनाउंसमेंट। तो आपको यहाँ पे प्रेजेंटली यहाँ पे कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं दिया गया जिसके रिगार्डिंग ये कंफर्म किया जा सके कि ये पेपर जो है कैंसिल हो गया है। इवन देन यहाँ पे न्यूज़ एंड अलर्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर टू सी कंसर्न आंसर की ऑफ द एग्जाम हेल्ड ऑन डेट ऑफ 22 दिसंबर एंड 23 दिसंबर। तो ये लेटेस्ट यहाँ की अपडेट है। इसके अलावा यहाँ पे नोटिस बोर्ड में आप देखेंगे तो सतर्कता संबंधी सूचना है, आयोग के विज्ञापन संबंधी सूचना है, और आयोग के विज्ञापन संबंधी 2/18 संबंधी सूचना है, और कोई ऐसी सूचना यहाँ पे नहीं है। सो इससे ये बिल्कुल ये क्लियर है कि जो पेपर है वो लीक तो हुआ है, उसका कंफर्मेशन भी हो गया है और कई जगह पे सॉल्वर गैंग भी पकड़े गए हैं, ये सब कन्फर्म है। बट ये जो है पेपर दोबारा होगा, ये आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन साइट पर नहीं डाली गई है जिससे हम कन्फर्म हो सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। बट यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप किस पक्ष में हैं, क्या आप चाहते हैं कि पेपर दोबारा हो कि ना हो। ठीक है, वैसे हालांकि जो जिस तरह से पेपर आउट हुआ है, जिस तरह से सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं, जिस तरह से ये सेंटर्स पे सेटिंग मिल रही, उसकी अकॉर्डिंग तो पेपर दोबारा होना चाहिए। तो आप किस पक्ष में हैं, पेपर दोबारा हो कि ना हो, इसके लिए हमें जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि पेपर हो या ना हो, जिसको और इन व्यूज़ को और आपके जो स्टेटमेंट्स होंगे उसको हम आगे तक ले जा पाएँ। ये एक तरह से कंपेन होगी, अगर जिसके पक्ष में जो कैंडिडेट्स होंगे, ज़्यादातर कैंडिडेट मिलेंगे उस तरह वो माना जाएगा। जैसे कि अभी इसके रिगार्डिंग बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं इसको कोर्ट में ले जाने के लिए भी प्रतिबद्ध हो रहे हैं और ग्रुप्स बन रहे हैं इसके लिए। तो देखिए फिलहाल में भी क्या होता है, बट उसके रिगार्डिंग आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए, जो पेपर है वो फिर से दोबारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो इसके रिगार्डिंग हम अपने जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए।
और इस तरह की न्यूज़ जो भी वीडियो के जो वीडियो का पेपर है उसके रिगार्डिंग आप जो भी न्यूज़ अगर चाहते हैं कि आपको तुरंत मिले, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट न्यूज़ के लिए हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंक में, जिसमें हम लेके आएंगे कि जो वीडियो का पेपर है उसकी कितनी कट ऑफ आ रही है और क्या हो रहा है, उसकी आंसर की में क्या जो है आंसर की में क्या कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, तो उसको आप कैसे रेज़ करेंगे, ऑब्जेक्शन कैसे अपना रेज़ करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो के अंक में हम ये सारी चीज़ें लेके आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।